मोदी योगी जी हमसे मिल जाए तो उनसे हम कहें हाँ। कि टिकट निकलवाया करिए और अपना टिकट अपना भी आई उसी में एक बार पेट का भी दे दें। हाँ, वो भी दे दें। हाँ। वो तो एमएससी किए हैं शायद ना। हाँ, तो लेकिन हम उनसे यही कहेंगे एक बार पेट का एग्जाम देखें, क्वालिफाई कर जाएं तो। अभी हमें अयोध्या के महाराजा इंटर कॉलेज में पेट का एग्जाम हो रहा है, बच्चों को काफी आपसे असुविधा भी हुई है, कुछ बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं, पहला शिफ्ट खत्म हो चुका है। आइए उनसे थोड़ा बात करते हैं, जानते हैं कि एग्जाम कैसा हुआ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ, कितना क्वेश्चन किया आपने? वही जो जितना रहा उतना किया क्वेश्चन। अभी कितना आपने किया? कहाँ से आए हैं बताइए? आजमगढ़। आजमगढ़ आने में क्या दिक्कत हुई? नहीं, दिक्कत तो हुई लेकिन रिजर्व गाड़ी की कार है। अपनी खुद की थी, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या क्या क्वेश्चन आया था, किस पोर्शन से ज़्यादा आया था? मैथ टफ था। मैथ टफ था। और जी एस हुआ? वो ठीक ठाक है। और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं उनसे। थोड़ा कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आइए और देखते हैं कैसा रहा है उनका एग्जाम। क्या नाम है आपका? अवनीश कुमार। अवनीश, अवनीश कैसा एग्जाम रहा? मस्त एकदम, बहुत चकाचक। हाँ भैया, कितना किया? सब हुआ। कंफर्म नहीं भैया, कंफर्म नहीं है कितना सही है कितना गलत है। कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। चलिए अच्छी बात है, आप जाइए, हम कुछ लोगों से और बात करते हैं कि एग्जाम उनका कैसा हुआ। भैया एक मिनट, क्या नाम है आपका? ऋषि पटेल। ऋषि, कितना क्वेश्चन आपने किया? 45। बताइए आने में दिक्कत हुई कि नहीं? दिक्कत हुई बहुत ना। सरकार जो कह रही थी कि हम सारी सुविधाएं देंगे, कुछ मिला नहीं? ऐसा कुछ नहीं। कितना आपने किया क्वेश्चन? 45 कर लिया आपने, और 45 खाली किया है जी? कहाँ इतना कम? हम लोग मेडिकल से हैं। अच्छा, मेडिकल से है। एक बात बताइए, मेडिकल से आप हैं, नीट की तैयारी करते होंगे फिर? नहीं, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट है, क्या जरूरत पड़ेगी पेट पे आ गए? सर वैकेंसी जो नहीं आ रही, जो मिल जाए वही कर लें पहले। फार्मासिस्ट में भी ये लोग पेट कर दिए हैं। अच्छा, सही है आपको? नहीं बिल्कुल। फार्मासिस्ट की वैकेंसी ग्रुप सी वाली में, ग्रुप सी में आती है, तो ये नेसेसरी कर दिया क्या उन्होंने? करना ही है ना। सही है ये, आपको लगता है? नहीं सही है सर, बिल्कुल नहीं सही है। अब हम लोग ये इतिहास भूगोल नहीं पढ़ेंगे ना? हाँ बात तो सही है, आप तो मेडिकल की चीजें पढ़ेंगे। बिल्कुल, इसीलिए मजबूरी में आना पड़ा। अब यहाँ हिस्ट्री, केमिस्ट्री, सारी चीजें, क्वेश्चन भी कम होगा। थोड़ा और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अजय नाम है आप ही का? अजय, इधर आ जाइए थोड़ा सा। कितना क्वेश्चन किया आपने? काउंट तो नहीं किए लेकिन फिर भी टाइम। कितना किया फिर भी? वही अच्छी पचासी आपने किया है। कहाँ से आए हैं आप? ये मैं मऊ से हूँ। मऊ से हैं, आने में समस्या होगी कि नहीं? जी बहुत समस्या। कैसी समस्या जरा बताइए, क्योंकि योगी जी को सुनना बड़ा जरूरी है क्योंकि एग्जाम देते नहीं है वो, तो उनको पता नहीं होगा कि एग्जाम कैसे होता है ना। अरे तो पहले ट्रेन में चढ़े इतना गर्दी था, ऊपर से खड़े खड़े आए पूरा वहाँ से। और खाना मिला कि नहीं यहाँ पे? नहीं, खाना कैसे मिलेगा यहाँ पे? खाना खत्म हो गया अयोध्या में, पैसा देने के बावजूद भी खाना नहीं मिल रहा। हाँ वो तो है, लेकिन यहाँ पे खाना कौन देगा। थोड़ी सी लड़कियाँ उनसे बात करते हैं, अभी थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा और कुछ लोग आ जाएं। हाँ आप लोग अभी एग्जाम दिए हैं कि नहीं? चलिए आप ही लोगों से बात करते हैं। दे चुके इसीलिए तो उन्हीं लोगों से बातें करना है। क्या नाम है आपका? सपना कुमारी। सपना, एग्जाम आपने दिया, कितना क्वेश्चन किया आपने? 65 क्वेश्चन, बहुत कम आपने किया फिर। जितना आएगा उतना। बताइए सेंटर से आप संतुष्ट हैं कि नहीं कि यहाँ भेज दिया है? कहाँ से आए हैं आप? आजमगढ़ से। लड़कियों के लिए तो काफ़ी समस्या हुई है क्योंकि कल जंक्शन पे देख रहे हैं होटिंग भी हो रही थी लगातार, रास्ते में खड़ा होकर आए हैं तो दिक्कत नहीं होगी? रक्षा का थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, ये नहीं दिया बिल्कुल योगी जी ने, आयोग ने पूरा नहीं दिया सुरक्षा का। इतनी प्रॉब्लम हो रही है आने में, ये भी तो केयर करना चाहिए। और सेंटर ऐसा बनाया है, इतना दूर तो लड़कियों का नहीं बनाना, होम डिस्ट्रिक्ट तो देना चाहिए था। यस सर, लड़कियों ऐसे दिया सेंटर, ऐसे दिया तो उनको डेट वाइज डेट करना चाहिए, चेंज करना चाहिए ताकि भीड़ कम हो। ब्लैक बोर्डिंग लगा देना चाहिए एक तो आने जाने में, ताकि कोई ब्लैक बोर्डिंग मतलब थोड़ा व्यूअर को बोर्ड वोट लगा देना चाहिए कि मतलब कोई आए तो पढ़ के पहुंच जाए कि महाराजा इंटर का ले, यहां पता नहीं चल रहा है कोई जान रहा है कि कहां पे है। एसएससी का डेट वाइज डेट होता है तो उसको भी, ग्रुप डी का जैसे हुआ है या एसएससी का हुआ है, ऐसे संडे टू संडे यही करना चाहिए ना। अब ऐसे कर दिए और पूरा सेंटर कर दिए, कितने बच्चों का छूट गया है। क्या नाम है आपका? एग्जाम आपने दिया कि नहीं? मोहन प्रताप। आजमगढ़, गोविंद आजमगढ़ से आप भी आए? आने में क्या असुविधा हुई? असुविधा बहुत ज्यादा असुविधा। जैसे में कोई सुविधा नहीं था, ट्रेन की न बस की कोई सुविधाएं नहीं है, इतना बच्चे हैं उसके लिए कुछ तो कुछ सुविधाएं सरकार को करनी चाहिए। सरकार ने किया नहीं, बोल तो रहे हैं योगी जी की करवा देंगे सब कुछ सुविधाएं, कोई नहीं ना बस की न ट्रेन की। जब कर लेंगे तब एग्जाम दे लेंगे तब कर लेंगे तब, क्योंकि अब जाना है ना तो तो हाँ वापस जाना है ना। जानते हैं ये भी सुविधा नहीं होगी सर, जब आने के लिए नहीं हुआ, कितने बच्चों की जाने में इतनी दिक्कत हुई है क्योंकि सब टाइमिंग ऑफ टाइम पीरियड जो अलग अलग था, जाने में तो सबका एक होगा तब तो और दिक्कत होगी। अरे और इस समय तो बच्चे सभी छूट गए होंगे, एक बच के दो बच्चे जो आए, सबसे ज्यादा महिलाओं को जो लेकर आ रहे हैं उसके लिए तो और ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा सुरक्षा का मामला बढ़ जाएगा। बहुत सारी सभी तो परिवार को दिक्कत तो होगी। और भी कुछ लोग आ रहे हैं सेंटर से, थोड़ा सा निकल कर बात करते हैं उनसे। कहाँ से आजमगढ़ से आप भी आएंगे? कैसा आपने किया एग्जाम?
ठीक गया। ठीक गया। हाँ। कितना आपने अटेम्प्ट किया? 72। अरे आ जाइए, आप आ जाइए, जरूर पूछेंगे। 72 जी। और एक बार बताइए, सुविधा हुई कि नहीं आने जाने में? असुविधा तो बहुत ज्यादा हुई। होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर बनाते तो कोई नुकसान नहीं था, अब वहाँ से आने के लिए लड़के बस कोई साधन नहीं, ज्यादातर लेडीज हैं, लड़कियां हैं, उनको आने में काफी असुविधाएं हुई हैं। इसके लिए सरकार की कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था नहीं। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संत प्रकाश यादव। क्वेश्चन आपने कितना किया? 85। किस पोर्शन से ज्यादा आया था? अरे पोर्शन क्या, हर सब्जेक्ट से आया था भैया। मतलब मैथ से, पाई चार्ट से? पाई चार्ट से 20 क्वेश्चन आना ही है। क्वेश्चन आना ही है, दस दिया ही है। आसान था क्वेश्चन की? क्यों नहीं आसान था, अच्छा था। पाई चार्ट का आसान था, ये मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन छोड़ के लगभग 15 क्वेश्चन टचेबल थे, आप टच कर सकते थे। अच्छा, अटेम्प्ट आपने कितना किया? 85। तो बहुत बढ़िया, आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट। अरे जो भी किया होगा लगभग 75 बस आने जाने में असुविधा होगी, आने में असुविधा होगी, आने जाने में। मोदी योगी जी हमसे मिल जाए तो उनसे हम कहें कि टिकट निकलवाया करिए, और अपना टिकट है अपना भी आई उसी में, एक बार पेटकाओ भी दे दें। हाँ, वो भी दे दें। हाँ। वो तो एमएससी किए हैं शायद ना। हाँ, तो लेकिन हम उनसे यही कहेंगे एक बार पेट का एग्जाम देखें, क्वालिफाई कर जाएं तो। हाँ। अभी आपने वीडियो देखा, बच्चों को आने जाने में बहुत सी असुविधाएं हुई हैं। आयोग कह रहा है हमने कंडक्ट कराया है जो एग्जाम पेट का, उसमें सारी सुविधाएं देने की कोशिश की गई है, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, जैसा कि आपने देखा। पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमें अयोध्या में, धन्यवाद।